तो लेट्स स्टार्ट विद जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स। तो दीप्ति स्टार्ट करिए। हाँ ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये केशवानंद भारती वाला BSD बेसिकली कंटेंस दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अब्रोगेटेड इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट फॉलोज पार्लियामेंट कैन नॉट एनैक्ट अ लॉ दैट वुड ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट। द डॉक्ट्रिन इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। हाँ तो नॉट मेंशन है एंड हैज इवॉल्व ओवर टाइम एंड मेनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। देन डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, सो इट होल्ड्स दैट यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर शुड नॉट इंक्रोच अपॉन ईच अदर। दिस डॉक्ट्रिन हेल्प्स इन एग्जामिनिंग द ट्रू नेचर ऑफ अ लेजिस्लेशन एंड डिसाइडिंग विच लिस्ट इट बिलोंग्स टू सेंट्रल और स्टेट। ये डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है। तो हाँ, बेसिकली जस्ट टू एड ऑन इट कि पिथ एंड सब्सटेंस मतलब क्या होता है कि सपोज जैसा अभी फार्म लॉज वाला चीज हो गया, तो फार्म एज ए सब्जेक्ट अगर बात करें तो एग्रीकल्चर का हो गया। एंड एग्रीकल्चर जो है वो लिस्ट टू में आता है, यानी स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कुछ कैवियट्स यूज करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये बोला कि हम कंकरेंट लिस्ट में जो ट्रेड वाला पार्ट है उस पर हम लॉ बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये केस अगर शायद सुप्रीम कोर्ट में जाता फार्म लॉस का, मतलब गया तो था ही, लेकिन इस पे इतना लेंथी डिस्कशन हो नहीं पाया या सुप्रीम कोर्ट में इतना लंबा ऐसे ट्रायल चल नहीं पाया इसका। तो अगर चलता तो शायद ये डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में हमको देखने को मिलता कि ऑल्दो उन्होंने प्रोविजन यूज किया था लिस्ट थ्री का, लेकिन वो सब्सटेंटिवली वो एनक्रोच कर रहे थे स्टेट का पावर, विच इज विद रिगार्ड्स टू एग्रीकल्चर, ठीक है, विच इज द सब्जेक्ट अंडर लिस्ट टू, स्टेट लिस्ट के अंडर, ठीक है। तो वो पिथ एंड सब्सटेंस का वहां इस्तेमाल हो सकता है। तो कई बार ऐसा केसेस होता है कि एक स्टेट का ज्यूरिडिक्शन है वो कई बार एनक्रोच कर जाता है सेंटर से भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पिथ एंड सब्सटेंस का लॉ लगा के ये पाया कि भले ही वो ऐसा सब्जेक्ट्स पे एनक्रोच कर रहा है जहाँ पे वो अपने जो लिस्ट है उसमें से बाहर जा रहा हो, लेकिन वो उनके जो जुडिशियल पावर, जो उनका लेजिस्लेटिव पावर है उसके वेल अंडर है, ठीक है, उसके अंदर ही है वो। तो उस सेंस में डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये देख लेना, नेक्स्ट चलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी भी बोलते हैं, तो दिस इज विद रिगार्ड्स टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो लेट्स से अगर कोई ऐसा प्रोविजन बना दिया है हमारे पार्लियामेंट ने, ठीक है, जो कि एनक्रोच कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि दिस इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, एंड देयरफॉर इट शैल बी वॉइड, ठीक है। तो जो पार्ट सेवरेबिलिटी में से इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, जो भी इनकंसिस्टेंट है विद द एफर्ट्स इट वुड बी इलिमिनेटेड। हाँ ओनली दैट पार्ट, मतलब सेवरेबिलिटी में वही ना कि पूरा नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा, ओनली दोज पार्ट्स विच आर अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, ऐसा है ना। करेक्ट करेक्ट। तो वो सेपरेबिलिटी या सेवरेबिलिटी सिंगल वो वाला इसी से, केस, श्रेया कौन सा केस? सिंगल अच्छा हाँ, श्रेया सिंगल, उस आईटी एक्ट वाला। आईटी एक्ट हाँ वाला, उसमें एक पार्ट स्ट्रक डाउन कर दिया था, या अभी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को रिसेंटली पार्शियली स्ट्रक डाउन किया था, तो वो भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है। किस किस चीज के रिगार्डिंग था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? हाँ करेक्ट, कॉपरेटिव्स के रिगार्ड्स में था, एंड उसमें जो स्टेट कॉपरेटिव्स थे वो पार्ट स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो पार्ट रिलेटेड था मल्टी हमारे, स्टेट, तो करेक्ट, वैसे मल्टी के स्टेट वैसे। हाँ मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्स, वहां पे सेंटर का ज्यूरिडिक्शन होता है, तो उसको सही रख दिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है कि एनी लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट इज नॉट नल एंड वॉइड एब इनिशियो बट इज ओनली नॉन एनफोर्सेबल, दैट इज इट्स नॉट डेड बट इनएक्टिव, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर कोई लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है तो बाय द वर्च्यू ऑफ इट इज नॉट डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ठीक है, वो बस इनएक्टिव रहता है, ठीक है। बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी से वो स्ट्रक डाउन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट उसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस क्या होता है कि द कोर्ट विल ओनली असिस्ट दोज पर्सन या दोज पीपल हु आर विजिलेंट अबाउट देयर राइट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे कई बार क्या होता है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया और आप जाते हो 10 साल बाद
कि हाँ जी मेरे साथ गलत हुआ था और मेरे को जस्टिस दो, तो दिस काइंड ऑफ जस्टिस वुड नॉट बी डिलीवर्ड टू यू, मतलब जनरली नॉट डिलीवर्ड टू यू, एक्सेप्शनल केसेस कुड बी देयर इफ यू कुड एक्सप्लेन कि हाँ मेरे को इतना डिले क्यों लग गया, एंड वो डिले आपका अगर जस्टिफाइड होता है तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस लग सकता है वहां पे, ठीक है, मतलब तो फिर सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है आपका केस या और कोई केस सुन सकता है, लेकिन अदरवाइज ऐसा अगर इनऑर्डिनेट डिले होता है तो फिर आपका केस सुना जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो तो एक केस था, तब हमारे एक शायद वो हुआ करते थे जनरल ऑफ आर्मी वीके सिंह, अभी तो वो एमपी है, तो उनका ना एज के रिगार्डिंग कुछ इश्यू हो गया था, उन्होंने बोला था मेरी एज गलत है, मतलब एज देखो कहाँ जनरल के लेवल पे पहुंच गए थे, वहां जाके वो बोल रहे थे कि मेरा जो एज है वो गलत छप गया था मेरे सर्टिफिकेट्स में और मेरा तो एज ये था, तो आप इतना लेट जाके आप अप्रोच करोगे कि हाँ यार मेरा एज गलत चल गया था और आप इसको रेक्टिफाई करो, तो वो चीज जस्टिफाइड नहीं है। ये होता कि आप सर्विस में शुरू में गए और उसी टाइम आपने इस चीज को सही किया होता तो फिर भी आपको चांस मिल जाता, बट एक इनऑर्डिनेट डिले के बाद नहीं सुना जाता कि जनरल, ठीक, सो ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, ठीक है, तो ये हमने देखा था कि सपोज स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक लगता है, तो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर उसके टेरिटरी में लगता है, ऑल्दो वो उसके टेरिटरी से एक्सटेंड भी कर सकता है ओनली इन सर्टेन केसेस वेयर देयर इज, मतलब स्टेट ये एक्सप्लेन कर सकता है इस पर्टिकुलर इश्यू से स्टेट का लेना देना है डायरेक्टली, ठीक है। लेट्स से कोई क्राइम है, जैसे मकोका जो है, मकोका पता है ना, वो ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए एक एक्ट बनाया था ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो मकोका एक्चुअली बनाया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको वो ऑल इंडिया कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब ऑल इंडिया, लेट्स से किसी ने जम्मू कश्मीर में बैठ के कोई कॉन्स्पेरेसी की अगेंस्ट सम इंडिविजुअल इन मुंबई, ठीक है, वहां पे उसको वो लगा सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज टेरिटोरियल नेक्सस। सो अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, लॉज मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड दैट स्टेट एक्सेप्ट, माइंड यू, एक्सेप्ट व्हेन देयर इज सफिशियंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अगर हाँ एक सफिशियंट रिलेशनशिप वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि इस सब्जेक्ट का या इस ऑब्जेक्ट का हमारे स्टेट से डायरेक्ट रिलेशन है, देयरफॉर इन दोज केसेस देयर ज्यूरिडिक्शन कैन ओवररीच देयर टेरिटोरियल एरिया। So this doctrine derives its authority from Article 245 of the Constitution. The doctrine states that in order for a state law to have an extraterritorial operation, there must be a nexus between object and state. Hence, to invoke the doctrine of nexus, territorial nexus, it must be clear that the object is located outside the territorial limits. However, it has direct correlation with the state. Okay. So, ये था territorial nexus का doctrine. Article 245. What? What is Article 245? Article 245 of Indian Constitution is about मतलब Rajya Sabha उसमें powers to make what laws on state parliament subject का power ना laws बनाने हाँ के करें हाँ करेक्ट, मतलब जो पार्लियामेंट है वो इंडिया के लिए लॉ बना सकता है प्लस आउटसाइड इंडिया के लिए भी लॉ बना सकता है, ठीक है, और लेजिस्लेचर का जो पार्ट है वो स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी पावर है वो विद इन द स्टेट रहेगा, ठीक है, एंड ये ऐसे याद रख सकते हैं, आर्टिकल 250 पता है ना, टू फिफ्टी इज मतलब ड्यूरिंग इमरजेंसी आई गेस राज्यसभा पावर्स है ना, सॉरी, हाँ तो ये मतलब 245 भी राज्यसभा का पावर ही होगा। राइट, 250 देख लेना कि पार्लियामेंट का पावर होता है विद रिगार्ड्स टू इमरजेंसी, एंड वहां पे वो स्टेट लिस्ट के अंदर कोई भी जो सब्जेक्ट है उस पे लॉ बना सकते हैं, ठीक है, तो ठीक है याद रखना। 244 हमने पढ़ा था रिसेंटली, 244 किसके बारे में था, खाली पढ़ा था 244, एसटीएससी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए SC ST नहीं केवल STs के लिए है ठीक ना, स्केड्यूल एरियाज जो पढ़ा था ना हम लोग, 10 स्केड्यूल एरियाज हैं, ठीक है, तो वो उसी के अंडर है 244 में, 44 में, है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉसेस
ओमिसियस ठीक है। सो बैकग्राउंड इसका थोड़ा देख लेते हैं। स्टैट्यूट इज द विल ऑफ द सॉवरन लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट फंक्शन। द एग्जीक्यूटिव मस्ट एक्ट एंड द जुडिशरी इन द कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट अप्लाई द लॉ एज लेड डाउन बाय द सेड लेजिस्लेटिव विल। ठीक है। सो वेरी ऑफन ओकेजन विल अराइज वेयर द कोर्ट विल बी कॉल्ड अपॉन टू इंटरप्रेट द वर्ड फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशन यूज इन द स्टैट्यूट। इन द कोर्स ऑफ सच इंटरप्रिटेशन द कोर्ट्स हैव ओवर सेंचुरी लेड डाउन सर्टेन गाइडलाइंस नोन टू बी एज रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है। सो इंटरप्रिटेशन जो है कई बार ऑल्दो लॉ बनाना जो काम है वो लेजिस्लेटिव का काम है, लेकिन कई बार लॉ इस तरीके का बन जाता है कि उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे हम जो जुडिशरी है उसका काम है इंटरप्रेट करना, वहां आपका लेजिस्लेटर आके इंटरप्रेट नहीं करेगा उस चीज को। सो इंटरप्रिटेशन इज द मेथड बाय विच द ट्रू सेंस और मीनिंग ऑफ द वर्ड इज अंडरस्टूड। ठीक है। सो ठीक है। सो मीनिंग क्या है? द टर्म ओमिसस मीन्स केसेस ऑफ ओमिशन। ओमिशन इन अ स्टैट्यूट कैन नॉट बी सप्लाइड बाय कंस्ट्रक्शन। अ मैटर व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड इन स्टैट्यूट कैन नॉट बी सप्लाइड बाय द कोर्ट। अ कॉसस ओमिस कैन नॉट बी सप्लाइड बाय द कोर्ट बाय जुडिशियल इन इंटरप्रेटिव प्रोसेस एक्सेप्ट इन द केस ऑफ क्लियर नेसेसिटी एंड व्हेन द रीजन फॉर इट इज फाउंड इन फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्टैट्यूट इटसेल्फ। द फर्स्ट प्राइमरी रूल फॉर कंस्ट्रक्शन इज दैट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर मस्ट बी फाउंड इन द वर्ड यूज बाय द लेजिस्लेचर इटसेल्फ। इन्फ्रेंस क्या है? देयर इज नो स्कोप फॉर इम्पोर्टिंग इन टू द स्टेट्यूट वर्ड विच आर नॉट देयर। सच इम्पोर्टेशन वुड बी नॉट टू कंट्रीब्यूट बट टू अमेंड द स्टैट्यूट। इवन इज कॉसेस ऑमिस द डिफेक्ट कैन बी रेमेडिड ओनली बाय लेजिस्लेशन नॉट बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इट इज सर्टेनली नॉट द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू स्ट्रेच द वर्ड यूज बाय लेजिस्लेचर टू फिल द गैप एंड ओमिशन एज गिवन इन हिरारी देवी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। सो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसा वर्ड एम्बिगुअस हो जाता है। ठीक है। लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया लेकिन वो एम्बिगुअस रह गया। ठीक है। जैसे अगर याद हो ये लैंड रीऑर्गेनाइजेशन और रिहेबिलिटेशन एक्ट था ना, ये LRAA वाला। ठीक है। सॉरी, लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट है, कि अगर सरकार किसी की जमीन पे मतलब कब्जा ना तो नहीं कहना चाहिए, मतलब स्टेट किसी की प्रॉपर्टी लेता डेवलपमेंट है, के फिर लिए ले लिया लेता तो है। हाँ, ले लिया तो उसके लिए आपको रिहैबिलिटेशन भी करना पड़ेगा, उसके लिए उसको पैसे भी देने पड़ेंगे। ठीक है। तो वो सब चीजें करनी पड़ेगी। तो उस एक्ट में एक वर्ड था शायद एंड और का कुछ इश्यू हो रहा था। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेक्टिफाई किया था कि इसका मतलब और होगा, ये एंड जो है ये और की तरह रीड करा जाएगा। ठीक है। सो वहां पे वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रीड करके इंटरप्रेट करके उसका जो ट्रू मीनिंग है वहां पे डिक्लेयर किया था कि हाँ ये ऐसे ऐसे इंटरप्रेट किया जाएगा। ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉसस ओमियस जो है ये बेसिकली ये है कि कुछ पार्ट ओमिट कर सकता है या कुछ पार्ट ऐड कर सकता है, उसी पे है। लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में करना है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी लॉ आएगा तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करके कोई नया वर्ड उसमें ऐड ऑन कर देगा, तो वो चीज नहीं करनी है। बस कुछ एक जहां पे लगता है कि हाँ नेसेसिटी बन रही है तो एक्सेप्शनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट ये चीज कर सकता है कि किसी लॉ में जो इस टाइप की एम्बिग्युटी है उसको रिजोल्व कर सकता है बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स, उनकी राइट्स के अंदर उस चीज को रेक्टिफाई कर सकता है। सो यही था कॉसियस ओमियस। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये काफी न्यूज में है। ठीक है। अभी जो वो एक्ट था ना, आई थिंक मंदिर के लिए जो एक्ट था कि किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो ऑर्डर है वो नहीं चेंज किया जा सकता। ठीक है। आफ्टर 1991 ये एक्ट पास हुआ था, वहां पे एक्चुअली ये प्लेसेस डॉक्ट्रिन ऑफ ऑफ कॉस, वर्शिप है। हाँ करेक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन उसके रिगार्ड्स में यूज कर रहे थे काफी सारे एक्सपर्ट्स। तो दिस डॉक्ट्रिन इज अ टूल यूज्ड टू डिटरमाइन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द लॉ एनेक्टेड बाय वेरियस लेजिस्लेचर। देयरफॉर इट मींस टू इंप्लीमेंट द सेपरेशन ऑफ पावर एंड इम्पोज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। बेसिकली दिस डॉक्ट्रिन इम्प्लाइज दैट वट एवर इज प्रोहिबिटेड डायरेक्टली इज प्रोहिबिटेड इनडायरेक्टली ऑल्सो। ठीक है। जैसे एक बहुत बढ़िया केस इसका, तो एक तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाले भी लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका एक बहुत बढ़िया केस जो था वो इंदिरा गांधी ने किया था। तो केशवानंद भारती हाँ में क्या चीज दिखी? केशवानंद भारती में बेसिकली ये डिक्लेयर किया गया था कि सॉरी व्हाट कैन नॉट बी गोलकनाथ, डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली करके बोला है ना। हाँ। तो एक्चुअली मैं कह रहा था कि गोलकनाथ केस में ये चीज बोला गया था कि एफ आर सर सेक्रोसेंग। ठीक है।
और अमेंडमेंट जो है उसको भी लॉ कंसीडर करेंगे. देयरफॉर अमेंडमेंट वुड बी अ लॉ एंड इट कैन नॉट अमेंड द एफआरएस. तो ये गोलकनाथ केस में बोल दिया गया. तो इंदिरा गांधी ने क्या चालाकी लगाई, उन्होंने बोला चलो अब हम एक नया एक्ट लेके आएंगे एंड उस एक्ट से हम क्या करते हैं कि हम जो ये प्रोविजन था कि अमेंडमेंट को उन्होंने लॉ मान लिया, इसी को उड़ा देंगे. ठीक है. सो उन्होंने ये बोल दिया कि अमेंडमेंट को लॉ नहीं मानेंगे एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके पास पावर है कि वो एफआरएस को भी अमेंड कर सकता है. ठीक है. सो इस तरीके से उन्होंने इनडायरेक्टली उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला पार्ट ओवर स्ट्रक डाउन कर दिया था. मतलब उन्होंने ऑलरेडी ये तो माना कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के पास पावर है कि दे कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे कैन नॉट ब्रेक डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये चीज बोली गई थी वहां पे. तो ये याद रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास व्हाट दे कैन नॉट डू डायरेक्टली दे कैन नॉट ऑल्सो डू दैट इनडायरेक्टली. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके अगेंस्ट कुछ लॉ लाकर और फिर उसको लीगल बना दें, तो वो भी चीज नहीं कह सकते. नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस. क्या जम्मू एंड कश्मीर का यूटी स्टेटस, ये वैसे कंट्रोवर्सियल है लेकिन क्या ये कलरेबल लेजिस्लेशन में आएगा? अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक तो हमारे लिए तो ये बहुत दूर की कौड़ी है ये बताना कि वो कलरेबल लेजिस्लेशन में आएगा कि नहीं आएगा. बट प्रॉब्ली कह सकते हैं, लाइक इट कुड बी एन आर्ग्यूमेंट. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड को इन्होंने लेजिस्लेटिव कर दिया था. हाँ, मतलब कोई अगर आप अपोजिंग पार्टी हो उसके खिलाफ तो हाँ आप यूज कर सकते हो कि हाँ कलरेबल लेजिस्लेशन वहाँ पे यूज हुआ है. बाकी हुआ है कि नहीं हुआ ये तो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा. ठीक है, तो आगे चलते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, तो नाम से पता लग रहा है कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करके चलना है किसी चीज में. ठीक है, तो ये क्या बोलता है, प्रोविजन ऑफ स्टेट्यूट शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड और कंस्ट्रूड इन आइसोलेशन बट एज अ होल सो एज टू रिमूव एनी इनकंसिस्टेंसी और रिपग्नेंसी. द कोर्ट्स मस्ट अवॉइड क्लैश ऑन कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोविजन एंड दे मस्ट कंस्ट्रू द अपोजिंग प्रोविजन सो एज टू हार्मोनाइज देम. When the court is unable to reconcile the difference between the opposing provision, the court must interpret them in such a way that both the opposing provision are given effect as much as possible. ठीक है, तो आपको कोई act को isolation में नहीं देखना है. सब कई बार क्या होता है, दो acts आपस में clash कर रहे हैं. जैसे अगर आपको पता होगा तो DPSP को effect देने के लिए उन्होंने ये चीज बोला था कि हम 39B और C को effect देने के लिए we can basically बेसिकली सरपास एफआर. तो उस सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का वहां यूज किया गया था, कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को स्ट्रक डाउन नहीं किया. उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आपके ऊपर एक डायरेक्टिव है कि आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करो एंड उस डायरेक्शन में अगर आप कहीं एफआरएस के साथ क्लैश कर जाते हो तो हम ऐसा नहीं कि एफआरएस को एक आइसोलेशन में देखेंगे कि हाँ जी आपने एफआरए वो कर दिया, सब्जुगेट कर दिया तो हम आपका वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे. तो वहां पे वो नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर करना, हमें डीपीएसपी को भी साथ में देखना है ताकि जो भी कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन है दोनों को मैक्सिमम हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें. ठीक है, तो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो ये याद रखना. नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स. तो दिस इज इन एडिशन टू डॉक्ट्रिन ऑफ पेटेंट सब्सटेंस. पेटेंट सब्सटेंस हमने देखा था कि अगर आपके लिस्ट से बाहर जाके अब आप कुछ लॉ बनाना चाह रहे हो या एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करो तो उसके रिगार्डिंग पेटेंट सब्सटेंस था. नेक्स्ट, इट इम्प्लाइज द पावर टू द लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेट ऑन अ पर्टिकुलर इशू दैट इंक्लूड्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एंसिलरी मैटर दैट आर रिस्पॉन्सिबली रीजनेबली कनेक्टेड टू द इशू ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, फॉर इंस्टेंस द पावर टू इम्पोज टैक्सेस वुड इंक्लूड द पावर टू सर्च एंड सीजर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन. Nevertheless, if the subject is explicitly mentioned in union or state list, it cannot be said to be an ancillary matter. So, ये चीज़ याद रखना कि अगर कोई चीज़ explicitly mentioned नहीं है कि वो state list, union list में आ रही है या concurrent list में आ रही है, मतलब generally तो confusion union और state में ही होता है क्योंकि concurrent में तो दोनों law बना सकते हैं, लेकिन अगर union और list में और state list में अगर explicitly mentioned नहीं है तो उसके regarding ancillary जो powers है वो कंसर्न लेजिस्लेचर है वो उसके ऊपर लॉ बना सकता है. जैसे टैक्सेस का लॉ हो गया, तो सपोज स्टेट ने कोई टैक्स के ऊपर लॉ बनाया, ठीक है,
तो हो सकता है उस टैक्स से रिलेटेड लोग इवेजन कर रहे हो, तो उस इवेजन को चेक करने के लिए एक अथॉरिटी बनानी है, तो अथॉरिटी वो स्टेट बना सकता है. तो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरी. ये थोड़ा एडिशन ही है डॉक्ट्रिन ऑफ पैथन सब्सटेंस के. नेक्स्ट पे चलते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर. सो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, अ पर्सन इंटेंशनली गिव्स अप हिज राइट और प्रिविलेज और चूजेस नॉट टू एक्सरसाइज हिज राइट और प्रिविलेज व्हिच आर कंफर्ड ऑन हिम बाय द स्टेट. सो दिस इज इंटेंशनल और वॉलंटरी रिलिंक्विशमेंट ऑफ अ नोन राइट. सो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ इन बहेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1958. तो ये चीज याद रखना कि पर्सन अगर राइट वो टू किसी, वेवर, हाँ, तो बस इसमें ये है कि वो अपना इंटेंशनली कोई राइट है वो गिव अप कर रहा है. ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है. नेक्स्ट जुडिशियल रिव्यू है. जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया में एक्चुअली एक्सप्लिसिटली तो मेंशन नहीं है, बट हम बहुत सारे आर्टिकल्स में देखते हैं जहाँ पे ये इम्प्लिसिटली गिवन है. जैसे आर्टिकल 13 हो गया, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू की बात होती है. आर्टिकल 32 है, वो भी जुडिशियल रिव्यू की बात करता है. आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए जुडिशियल रिव्यू की बात करता है. तो ये देख लेना, जुडिशियल रिव्यू इज डिफाइंड एज 32 द, हाँ, और 146 भी। 146. तो ये देख लेना, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एक्शन दोनों का रिव्यू कर सकता है. तो विद दैट वी आर डन विद डॉक्ट्रिंस. यही डॉक्ट्रिंस है मेजरली, कोई नया डॉक्ट्रिन आए तो बताना. अभी तक तो इतने डॉक्ट्रिंस से काम के अपने, बाकी ज्यादा जुडिशरी में घुसने की जरूरत नहीं. दिस इज पेपर ऑफ पॉलिटी, नॉट ऑफ जुडिशरी. तो यहीं तक लिमिट रखना अपना. ठीक है, सो आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं.